उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है। राम मंदिर बनाने के बाद से सभी को लगा था कि यहां से तो बीजेपी की सीट पक्की होगी, लेकिन जिसकी उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। अब इस पर सिंगर सोनू निगम का रिएक्शन आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके लिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने अयोध्या वासियों को कहा है शर्म करो। सोनू के इस ट्वीट पर कुछ उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ उल्टा उन्हें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू ने ट्वीट किया है, जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा दिया, पूरी की पूरी टेंपल इकोनॉमी बनाकर दी, उस पार्टी को अयोध्या की सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है, शर्मनाक है अयोध्या वासियों। सोनू के इस ट्वीट पर जहां बीजेपी समर्थक उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ तो सोनू को ही सुनाने लगे हैं। हालांकि सोनू ने ट्रोलिंग के बाद भी अपना ट्वीट पिन किया हुआ है। वैसे अगर आप सोनू का सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ समय से सोनू राजनीति को लेकर काफी ट्वीट्स कर रहे थे। वह बीजेपी के सपोर्ट में और दूसरे पार्टी के विरोध में ट्वीट्स कर रहे थे। बता दें कि सोनू को म्यूजिक में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए लंदन के एक लीजिंग भारतीय प्रवासी छात्र संगठन ने उन्हें सम्मानित किया है। इस अवार्ड को लेने के बाद सोनू ने कहा कि वह इसे भगवान की तरफ से एक बड़ा अनमोल तोहफा मानते हैं। सोनू के इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।